हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं दृष्टि आईएएस की बुक, जो कि है भारत एवं विश्व का भूगोल। और इसमें अभी जो हमारा पार्ट चल रहा है वो है विश्व का भूगोल, चैप्टर नंबर 20, जो कि है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, यानी कि ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों को जो भी ये बुक पढ़ना चाहते हैं। प्लस गाइस, अगर आप लोग घटना चक्र की वीडियोस या क्विक बुक और देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी, कोई हेल्प चाहिए तो यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा टेलीग्राम पेज है, आप चाहें तो वहां पे मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब कहानी ये है कि सिलेबस की बात करते हैं। तो गाइस, सिलेबस आप लोग देख पा रहे हैं जो विश्व का भूगोल है, चैप्टर नंबर 18 से स्टार्ट हुआ है। 18 इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, तो 19, 20, 20 तभी हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद बाकी के जो आगे के चैप्टर्स हैं उसको आप एक बार देख सकते हैं कि हमें आगे क्या क्या पढ़ना है। ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि हमें आगे कवर करने हैं। ठीक है, ये बस इसलिए कि एटलीस्ट आप लोग को पता रहे कि हमें इसमें क्या क्या है टॉपिक्स, राइट। ठीक है, फिर उसके बाद हम जो हमारे महाद्वीप है हम उसकी भी बात करेंगे, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे जो है हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है, हमारा जो चैप्टर खत्म हो जाएगा, हमारी बुक खत्म हो जाएगी, फिर नया कुछ देखेंगे। फिलहाल अभी गाइस जो हमारा चैप्टर है वो ये है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो घटना चक्र की वीडियो या दृष्टि की जो क्विक बुक है उसकी वीडियो के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए अभी कहानी शुरू करते हैं हम लोग, तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, चैप्टर देख पा रहे हैं आप लोग, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं जरा क्या लिखा है यहाँ पे, थोड़ा सा परिचय देखें जरा क्या लिखा है। तो गाइस यहाँ लिखा है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पनाएं एवं सिद्धांत विभिन्न दार्शनिकों या वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत की है, जो कि समय अनुसार बदलता गया है, लेकिन उसका इनका अपने समय के अनुसार महत्व कम नहीं हुआ, क्योंकि पूर्ववर्ती विचारधारा की उत्तरवर्ती विचारधाराओं को प्रतिपादित करने के लिए विद्वानों दार्शनिकों को जो है प्रोत्साहित करती थी। फलतः एक नवीन सिद्धांत का उदय होता है और ये प्रक्रिया आज भी चल रही है प्रचलन में। ठीक है, मतलब कहानी कुछ ये है कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हमें बहुत सारे सिद्धांत परिकल्पनाएं मिली हैं बहुत समय से। ठीक है, तो ये है कि बाद में जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया तो परिकल्पनाएं या जो हमारे सिद्धांत थे वो चेंज होते गए। ठीक है, तो बस और उससे तो उसके साथ साथ हम आगे बढ़ते गए और हमें सही जो है सिद्धांत या परिकल्पना मिल गई कि किस तरह से हुई होगी उत्पत्ति। इनफैक्ट अभी भी सही से हम कहते हैं 100% सही से पता है नहीं, आगे भी जो है रिसर्च वर्क चलता रहेगा और चीजें चेंज होती रहेंगी, हमें हर वक्त कुछ नया मिलता रहेगा। देखिए, अब यहाँ पे लिखा है अर्ली आइडियोलॉजी, यानी कि आरंभिक विचारधारा, स्टार्टिंग में क्या थे विचारधारा। लेकिन पृथ्वी एवं जगत की उत्पत्ति संबंधी आरंभिक विचारधाराओं में यूनानी यानी कि ग्रीक दार्शनिक और विद्वानों का उल्लेखनीय योगदान रहा है। देखते हैं, तो मतलब स्टार्टिंग में की स्टार्टिंग कैसे रही है इसके बारे में, शुरुआत की जो विचारधारा है उसकी बात करते हैं कि कैसे लोगों को पता चला कि किस तरह से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, शुरुआत कैसे हुई। देखिए, एक थे आपके थेल्स, ये क्या है, प्रथम दार्शनिक थे जिन्होंने सृष्टि की पौराणिक व्याख्या की तिलांजलि देकर विशुद्ध वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास किया। थेल्स के एकत्ववाद सिद्धांत के अनुसार क्या है, जल से ही सभी वस्तुओं की उत्पत्ति हुई है, अतः इसी में सभी वस्तुओं का क्या है विलीन, सभी वस्तुएं विलीन हो जाएंगी। मतलब इन्होंने कहानी ये कही कि जल से ही उत्पत्ति हो रही है, जल में ही सब कुछ विलीन हो जाएगा, ऐसा बोला थेल्स ने। फिर इसमें लिखा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर इसमें लिखा है एनेक्सिमेनीज। ठीक है, तो इन्होंने जगत की उत्पत्ति का मूल कारण क्या बताया है, वायु को माना है। ठीक है, इनके अनुसार क्या है कि संसार की समस्त वस्तुओं की उत्पत्ति किससे हुई है, वायु, इनकी हुई थी जल से, इनकी हो रही है वायु से। तो इनका मानना क्या है कि वायु जो है असीम अनंत है। ठीक है, वायु की अग्नि, वायु ही अग्नि का रूप लेती है। ठीक है, तरल होकर जल बन जाती है, बिल्कुल इन्हें का वायु ही अग्नि भी बन जा रही है, जल भी बन जा रहा है एंड जम कर पृथ्वी के रूप में जो हो गई परिणत हो गई है। ठीक है, पृथ्वी बन गई। तो इन्होंने क्या बोला, बहु तत्ववाद का समर्थन किया। इन्होंने एक तत्ववाद, इन्होंने बहु तत्ववाद, इन्होंने एक तत्ववाद, इन्होंने बहु तत्ववाद। आगे बढ़ते हैं, तो ये भी कोई, ये दोनों कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे गाइस। पाइथागोरस, ये सुना है आप लोगों ने थोड़ा नाम। तो इसमें लिखा है संसार के सभी पदार्थ क्या है, पदार्थ संख्या मात्र है। क्या है, संख्या मात्र है, सभी पदार्थ संख्या मात्र है।
ये सभी सांसारिक पदार्थ परस्पर भिन्न होते हुए भी एक स्वरूप प्रदर्शित करते हैं। इस तरह अपने इनके अपनी जो है पूर्ववर्ती विचारकों की तरह किसी एक पदार्थ को संसार की उत्पत्ति का कारण ना मानकर उसके स्वरूप को इसका कारण, जैसे कि इन्होंने जल बोल दिया, इन्होंने वायु बोल दिया, इन्होंने कहा किसी, इन्होंने किसी एक पदार्थ को संसार की उत्पत्ति का कारक नहीं माना, ठीक है, उसके स्वरूप यानी पदार्थ का, पदार्थ के स्वरूप को इसका कारण माना है, ठीक है। ये भी कोई चित्ता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर है हेराक्लिट्स, ठीक है, इन्होंने क्या है जगत की उत्पत्ति का मूल कारण क्या बता दिया, अग्नि वाले, एक ने जल एक ने वायु, इन्होंने अग्नि, अग्नि से जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, और ये तत्व तो क्या है ज्वलंत और क्या है गतिशील, और संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, ऐसा बोला इन्होंने, ठीक है। अब चलो ये हो गई पुरानी बातें, अजीबो गरीब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, ठीक है। वर्तमान आधुनिक विचारधारा की बात करते हैं, तो वैसे इसमें क्या है दो वर्गों में, वर्तमान समय में ग्रहों की उत्पत्ति संबंधी जो विचारधारा है उसको हमने दो वर्गों में बांट दिया है। पहला है अद्वैतवादी संकल्पना, एक हो गई आपकी द्वैतवादी, ठीक है, एक हो गई अद्वैतवादी, एक हो गई द्वैतवादी, ठीक है। अद्वैतवादी की बात करते हैं, थ्योरी अद्वैतवादी, अद्वैतवादी संकल्पना मतलब इस विचारधारा के समर्थकों का मानना है कि ग्रहों, ग्रह मतलब कि गई जो हमने 9 ग्रह पढ़े, पृथ्वी या अन्य जितने भी ग्रह हैं, की उत्पत्ति एक ही वस्तु या पिंड से हुई है। इन्होंने कहा कि ग्रहों की उत्पत्ति एक ही पिंड से हुई है, मतलब इसमें ये टूटा होगा और बहुत सारे ग्रह बने। तय तो कि अद्वैतवादी संकल्पना को पैतृक परिकल्पना भी कहते हैं, ठीक है। चलो अब इस समस्या जिस मतलब ये कहा कि ये समस्या मतलब जिसमें सौरमंडल की उत्पत्ति एक ही तारे से हुई है ऐसा माना गया है, को सुलझाने के लिए अनेक विद्वानों ने अपने विचार विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किए। तो इस दिशा में क्या सर्वप्रथम, सबसे पहले क्या होता है 1749 में क्या है, कॉम्टे द बफन, ये एक फ्रांसीसी विज्ञानी थे, इन्होंने तार्किक विचारक वैज्ञानिक पहल की शुरुआत की जो अब तक जारी है, ठीक है। कुछ अभी तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सा नहीं आया, मतलब इन्होंने बस ये कहा कि सभी ग्रहों की उत्पत्ति पिंड एक ही पिंड या वस्तु से। अच्छा जो ये बंदा है क्या नाम है ये, कॉम्टे द बफन, इनके अनुसार एक धूम केतु के सूर्य के टकराने से उत्पन्न जो है मलबे से ग्रहों की उत्पत्ति हुई, मतलब ये था सूर्य एक धूम केतु आया और सूर्य से टकराया, उसकी वजह से बहुत सारा मलबा बना है, वही ग्रह है। अद्वैतवादी विचारधारा के समर्थकों में कांट लाप्लास का सिद्धांत अधिक महत्वपूर्ण एवं क्या है प्रसिद्ध है, ठीक है, इसकी प्रमुख संकल्पनाएं, ठीक है। अब गई सीट सुनी, अब इंपॉर्टेंट बात है अद्वैतवादी संकल्पना इंपॉर्टेंट क्या है, उसमें लाप्लास ने क्या सिद्धांत दिया या कांट का क्या है, तो कांट का क्या है ये इंपॉर्टेंट बात है, कांट का वायव्य राशि पर परिकल्पना, ये नाम इंपॉर्टेंट है आपने भी सुना हो, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, दोनों ही थोड़ा सा अपने आप में इंपॉर्टेंट मतलब महत्व रखती हैं दोनों बातें। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखिए कांट की बात करते हैं, मतलब अभी तक हम क्या पढ़े अद्वैतवादी परिकल्पना में कांट ने क्या कहा है, क्या सिद्धांत दिया, परिकल्पना उनकी क्या है और लाप्लास, तो कांट की देख लो। तो इसने कहा इनका प्रतिपादन मतलब इसका प्रतिपादन कांट ने किया 1755 में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के आधार पर किया है, कब किया है 1755 में न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है उसके आधार पे इन्होंने कुछ ऐसा परिकल्पना दी है, मतलब इन्होंने कहा ब्रह्मांड में दैव निर्मित पदार्थों के छोटे छोटे कण उपस्थित थे, मतलब इन्होंने कहा ब्रह्मांड में छोटे छोटे कण उपस्थित थे, ठीक है, जो अत्यंत कठोर शीतल मंडल ठंडे हो गए गतिहीन चलते चल रहे हैं, ये ऐसे थे, ठीक। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होते हैं ये कर एक दूसरे से क्या हुआ टकराने लगे, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो ये कण एक दूसरे की तरफ आकर्षित हुए होंगे टकराए होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है ऊष्मा और क्या है भ्रमण गति इनकी उत्पत्ति हुई। अब छोटे छोटे कण मिलकर क्या होता है बड़े पिंड में, और बड़े बड़े पिंड मिलकर क्या है विशाल पिंड में बदल गए, ठीक है, बहुत सारे छोटे कण एक दूसरे से टकराए थोड़े बड़े बन गए, और बड़े बड़े कण एक दूसरे से टकराए और विशाल पिंड बन गया, अतः विशाल जो गैसीय पिंड निहारिका की उत्पत्ति हुई ऐसा बोला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए निहारिका की अत्यधिक घूर्णन गति के कारण, घूर्णन गति क्या होगा अपनी अक्ष पे घूमने वाली गति, घूर्णन गति के, तो निहारिका की अत्यधिक घूर्णन गति के कारण ऊष्मा में वृद्धि हुई, चलिए यहां से क्या हुआ ऊष्मा आई, जिसके कारण क्या होता है अब केंद्रीय बल जो अंदर की तरफ लगता है
और अभी केंद्रीय बल, सॉरी एक हो गया अप केंद्रीय जो बाहर की तरफ लगता है, अभी केंद्रीय जो अंदर की तरफ लगता है वो क्या हो गया अधिक हो गया। ठीक हो, निहारिका की घूर्णन गति से ऊष्मा में वृद्धि हुई, एक बार। दो तरीके के बल लग रहे हैं, अपकेंद्रीय अभिकेंद्रीय बल। तो इस तप्त और घूमते हुए निहारिका से गोल आकार के क्या हुए, अनेक छल्ले निकले जो शीतल होकर ग्रह बन गए, ऐसा इन्होंने कहा। मतलब फिर से आते हैं, इनने कहा ब्रह्मांड में बहुत छोटे छोटे पिंड घूम रहे थे, और उन वो क्या हुआ, छोटे छोटे पिंड मिलकर थोड़े से बड़े बन गए, और बड़े बड़े पिंड मिलकर विशाल पिंड बन गए। ये निहारिका हुआ है, ठीक है। अब निहारिका घूम रहा है, घूर्णन गति हो रही है इसमें, जिसकी वजह से ऊष्मा निकली, अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय बल हुआ, और इसकी वजह से क्या होता है कि निहारिका से गोल आकार के छोटे छोटे जो छल्ले निकलने लगे, और ये छल्ले ही क्या है, ग्रह में परिवर्तित हो गए। समझ में आई बात, नहीं आई तो दोबारा पढ़िए। इस प्रकार कांट के अनुसार क्या होता है, पृथ्वी की उत्पत्ति अपकेंद्रीय बल द्वारा निहारिका से अलग हुए जो छल्ले हैं उनके पदार्थों के एक स्थान पर गठन के रूप में ये जम गए और ठोस हो गए और ग्रह बन गया। मौलिक निहारिका का जो भी भाग अवशिष्ट रह गया, अब जो जैसे निहारिका का जो भी भाग बचा खुचा रह गया वे सूर्य के रूप में परिवर्तित हो गया, ठीक है, वो सूर्य बन गया सूर्य के रूप में। कालांतर में उपयुक्त प्रक्रिया की पुनरावृत्ति के कारण ग्रहों से उनके उपग्रहों का निर्माण हुआ, ठीक है। ग्रहों से उनके उपग्रह का मतलब ये, जैसे कि हमने कहा पढ़ा था, जैसे बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता लेकिन पृथ्वी का एक होता है जिसको हम बोलते हैं चंद्रमा, और मंगल का एक दो ग्रह उपग्रह, मंगल के दो उपग्रह होते हैं फोबोस डीमोस, वैसे ही बृहस्पति के 79 82 आपके शनि के होते हैं वैसे बाकी। अब देखिए ये हो गई हमारी पहली कांट की, मतलब इन्हें ज्यादा कुछ नहीं कहा, इन्हें बहुत सिंपल तरीके से समझा दिया क्या हुआ। अब लाप्लास की निहारिका परिकल्पना क्या कहती है, देखिए फ्रांसीसी विद्वान, ये कहाँ के थे, फ्रांस के फ्रांसीसी विद्वान है लाप्लास, ने निहारिका परिकल्पना का वर्णन 1796 में अपनी पुस्तक, उनकी एक बुक थी जिसका नाम था एक्सपोजिशन डू सिस्टम डू मोंडे सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड में किया, ठीक है। मतलब ये जो फ्रांसीसी लैंग्वेज में कुछ होगा इसका मतलब पता नहीं, मतलब कुछ लिखा है ये इंग्लिश में है, द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड में किया, इनकी एक बुक थी जिन्होंने द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड इनकी एक बुक थी जिसमें निहारिका परिकल्पना का वर्णन किया, 1796 की कहानी है। लाप्लास है जो कांट है ना अभी जिसका हमने पढ़ा, तो लाप्लास ने कांट की परिकल्पना की जो कमियां हैं उसको दूर किया और उसमें संशोधन किया और अपना विचार व्यक्त किया, ठीक है। मतलब कांट ने कुछ लिखा तो इनने कहा भैया इसमें ये कमी है, उसको दूर करते हुए उसमें संशोधन करते हुए उन्होंने कुछ अपना अपने विचार व्यक्त किए लाप्लास ने, ठीक है। अब लाप्लास के अनुसार क्या है, इसने लिखा है कि अतीत में ब्रह्मांड में एक गतिशील एवं तप्त महापिंड था, मतलब इनने कहा ब्रह्मांड में बहुत बड़ा पिंड है, गतिशील है यानी कि घूम रहा है और बहुत गर्म है, जो मंद गति से घूर्णन कर रहा है, घूम रहा है, और इस गर्म और मंद गति से घूमते हुए गैस के बादल को निहारिका कहा गया, ठीक है। जो ये घूम रहा है उसको निहारिका बोल दिया, नेबुला बोलते हैं उसको, ठीक है, निहारिका ही नेबुला एक ही बात है, जो ये घूम रहा है इसको निहारिका बोलते हैं। तो इसी के आधार पर इस परिकल्पना का नाम क्या हो गया आपका, निहारिका परिकल्पना रख दिया गया। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बात हुई देखिए, फिर समय बीतने के साथ साथ क्या होता है, जो निहारिका है उसकी गति के कारण, जो घूम रहा है उसकी गति के कारण विकिरण तथा ऊष्मा का ह्रास होने से, मतलब उससे क्या है, जो विकिरण हो रही है ऊष्मा हो रही है वो कम हो रही है, उससे इसका क्या है बहिर्भाग जो है ठंडा होता गया यानी कि शीतल होने लगा। तो इस प्रकार क्या है, निहारिका में निरंतर शीतलन के कारण यानी कि जब वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है उसके कारण क्या है, संकुचन होने से वो सिकुड़ने लगा, और उससे क्या होता है उसके आकार में उसके आयतन में क्या हो गई, कमी आने लगी। आयतन में कमी के कारण क्या होता है, निहारिका की गति क्या होती है अब निरंतर बढ़ने लगी है, ठीक है। अब यह घूर्णन गति में वृद्धि से जो अपकेंद्रीय बल है, ठीक है, में वृद्धि हुई, अपकेंद्रीय बल में वृद्धि हुई, और जब अपकेंद्रीय बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक हो जाता है तब निहारिका से क्या होता है, एक छल्ला अलग हुआ और कई छल्लों में क्या हो जाता है, खंडित हो जाता है, ठीक है, ठीक है। इसने कहा कि इसमें अपकेंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल में वृद्धि होने लगी, जिसकी वजह से जो है अपकेंद्रीय बल जब गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा हो जाता है तो निहारिका से एक छल्ला निकलता है और ये छल्ला क्या होता है, खंडित हो जाता है। वे छल्ले ठंडे होकर क्या है, ग्रह और उपग्रह बन जाते हैं, और निहारिका का जो शेष भाग है वो सूर्य है,
इन्होंने इस तरह से बता दिया, ठीक है, मतलब निहारिका है, घूम रहा है, घूमते घूमते उसका जो वो है थोड़ा थोड़ा शीतल होने लगा, जिसकी वजह से उसमें संकुचन होने लगा, आकार आयतन उसका कम होने लगा, ठीक है। अब क्या होता है, धीरे धीरे जो उसका घूर्णन गति है वो बढ़ती है, बढ़ने के बाद अब केंद्रीय बल उसमें वृद्धि होती है, जो जब वो गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है, उसमें से एक छल्ला निकलता है, विखंडित मतलब खंडित होता है। अब यही जो छल्ला है जो खंडित हो गया है वो ग्रह उपग्रह बना देता है, जो बचा कुचा भाग होता है वो हो गया आपका सूर्य। कालांतर में फ्रांसीसी विद्वान यानी कि रॉस ने लाप्लास की परिकल्पना में क्या कर दिया, संशोधन। भैया इन्होंने कहा इसमें भी कुछ कमियां हैं, गलत है, तो उसमें भी उन्होंने संशोधन कर दिया। और रॉस के मतानुसार क्या है कि निहारिका से कई पतले छल्ले क्रमशः अलग हुए और प्रत्येक छल्ला जो है आपका घनीभूत होकर ग्रह बना है, ठीक है। जैसे इन्होंने कहा एक छल्ला निकला, छह छल्ला क्या होता है, खंडित होता है और ग्रह बनता है। इन्होंने कहा नहीं, बहुत सारे छल्ले निकले हैं और वो ग्रह बन गए। तो इसी क्रम में क्या है, लगातार गतिशीलता के कारण क्या है, समस्त ग्रहों की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। ये बात कही है रॉस ने। चलिए तो हमने कहा अभी क्या देगा, तो हमने यहाँ हमने दो बात कर दी थी। हमने कहा था यहाँ पे दो तरह की, दो वर्गों में हमने बांट दिया है ग्रहों की उत्पत्ति के जो विचार है, विचारधारा है, उसको हमने दो भागों में बांटा, ठीक है। दो भाग में, एक तो हमने कहा अद्वैतवादी, जिसमें हमने कांट पढ़ लिया, जिसमें हमने लाप्लास पढ़ लिया, और इनफैक्ट लास्ट में एक हमने एक नाम और पढ़ लिया जिसका था रॉस। क्या नाम था गाइस? रॉस। एक मिनट दोस्तों, कुछ थोड़ा सा टाइम दिया उसको। चलिए बस, अब देखिए अद्वैतवाद संकल्पना हमने पढ़ ली, इसमें हमने क्या पढ़ा, कांट पढ़ा, लाप्लास, और एक और नाम पढ़ा था गाइस हमने यहाँ पे रॉस। क्या पढ़ा? रॉस पढ़ा, ठीक है। चलो इतनी सी बात हो, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़े, अब हमारा जो दूसरा है वो है द्वैतवादी संकल्पना, राइट। द्वैतवादी संकल्पना में देखिए क्या कहानी है, आगे बढ़ते हैं। अद्वैतवादी पढ़ ली, मतलब अब इस देखिए यहाँ है द्वैत, अब है द्वैतवादी। देखिए इस विचारधारा के समर्थकों का मानना है कि ग्रहों की उत्पत्ति दो पिंड या तारों के संयोग या संपर्क से हुई है, इसलिए इस संकल्पना को बाई पेरेंटल कॉन्सेप्ट के नाम से भी जाना जाता है, बाई पेरेंटल कॉन्सेप्ट, राइट। दोस्तों इसमें अगर हम बात करें तो इसमें आता है एक, हमारा यहाँ पे लिखा है चैम्बरलेन तथा मॉल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना, ठीक है। देखिए ग्रहाणु परिकल्पना का प्रतिपादन चैम्बरलिन और मॉल्टन ने 1905 में किया था, ठीक है। तो ये दो नाम है यहाँ पे, है चैम्बरलिन और मॉल्टन, इन्होंने 1905 में ग्रहाणु परिकल्पना की बात करो। अच्छा, इनके अनुसार क्या है, ग्रहों का निर्माण दो विशाल तारों सूर्य और उसके एक सहायक तारे से हुआ है। कैसे हुआ है ग्रह का निर्माण, दो विशाल तारे सूर्य और उसके एक सहायक तारे से हुआ। अच्छा, इनके अनुसार जब सहायक तारा सूर्य के पास से गुजरता है तो उससे आकर्षण बल के कारण सूर्य की सतह से असंख्य छोटे छोटे कण जो है आपके बाहर आकर आकर अलग हो गए, जिन्हें ग्रहाणु कहा गया। और ये तारा जब सूर्य से दूर चला जाता है तो सूर्य की सतह से बाहर निकले हुए ये पदार्थ जो है सूर्य के चारों तरफ घूमने लगे और धीरे धीरे संघनित होकर क्या है, ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गए। मतलब इसने ये कहा कि ये हो गया आपका रथ, आपका हो गया सूर्य, सन, ठीक है। तो उनने कहा उसके साथ एक है सहायक तारा, ठीक है। अब सहायक तारा क्या हुआ, घूम रहा है और इस सूर्य के जब बहुत पास आ जाता है गाइस, तो जो ये जो तारा है ना, जो सूर्य के बहुत पास आ गया सहायक तारा, उसके आकर्षण बल की वजह से क्या होता है, सूर्य से छोटे छोटे क्या निकले, कण निकले, सूर्य से छोटे छोटे कण निकले, ठीक है, निकल गए। अब इनने कहा यही जो छोटे छोटे कण है ना, तो इन्हें उन्होंने बोल दिया ग्रहाणु। क्या बोला? ग्रहाणु, ठीक है। अब इनने कहा कि ये जो है ना सूर्य से, अब जब ये जो ये सहायक तारा है सूर्य से जब दूर चला गया तो ये जो निकले हुए बाहर जो निकले हुए कण थे यानी कि ग्रहाणु थे, ये क्या होने लगे ना, सूर्य के चारों तरफ घूमने लगे, ठीक है। और धीरे धीरे क्या हो गए, संघनित हो गए और यही क्या बन गए, ग्रह बन गए। आगे बढ़ते, ठीक है। देखिए ये जो है स्टार है, सहायक तारा सूर्य के पास से निकला होगा तो इसके आकर्षण बल की वजह से बहुत सारे छोटे छोटे कण सूर्य से अलग हुए होंगे। अब जैसे ही ये तारा दूर चला गया तो यही जो तार ये जो वो है क्या बोलते हैं कण, ये क्या हुए, सूर्य के चारों तरफ घूमने लगे,
फिर संगनित हुए और ये क्या बन गए, ग्रह बन गए। ऐसा किसने बोला, ऐसा इन्होंने बोला, ये चैम्बरलिन और मॉल्टन की जो ग्रहाणु परिकल्पना है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है जेम्स जीन्स और जेफरी की क्या है, ज्वारी परिकल्पना। चलिए देखते हैं क्या है ये भी। देखिये ज्वारी परिकल्पना का प्रतिपादन कब होता है, 1919 में जेम्स जीन ने किया था और जेफरी ने 1929 यानी कि 10 साल बाद में। क्या है जीन्स की जो उनकी जो विचारधारा थी जो पहले वाली थी, यानी कि जेम्स जीन्स ने जो कहा था उनमें उसमें क्या कर दिया इन्होंने, किन्होंने, जेफरी ने परिवर्तन या संशोधन किया। और इस परिकल्पना के अनुसार क्या होता है, ग्रहों का निर्माण सूर्य और तारे के संयोग से हुआ था। ग्रह कैसे बने हैं, सूर्य और तारे के संयोग से बने हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं। सूर्य के निकट एक तारे के आने से, देखिए अब फिर से कहानी सुनिए, इसने कहा सूर्य के निकट एक तारे के आने से ज्वारीय उत्भेदन के कारण क्या होता है, एक तंतु रूपी संरचना का निर्माण हुआ। ठीक है जो बाद में टूटकर सूर्य का चक्कर लगाने लगा और ठंडा होकर क्या है कई टुकड़ों में विभक्त हो गया और अंत में क्या होता है यही जो फिलामेंट्स है वो ग्रह बन गए। फिर वही कहानी है जैसा कि हमने पहले पढ़ा। ठीक है तो इसने क्या बोला, इसने कहा सूर्य के निकट एक तारे के आने से, मतलब एक तारा देखिए यहाँ से जा रहा है तारा, ठीक है मतलब आ रहा है जो भी है, ठीक है आया सूर्य के पास आया, तो यहाँ पे ज्वारी उद्भेदन होता है जिसके कारण से क्या एक तंतु, ये देखिए यहाँ से कुछ निकल रहा है। ठीक है तो ये जो है तंतु है वो बाहर की तरफ निकलने लगा, टूट गया और फिर क्या होता है धीरे धीरे सूर्य का ही चक्कर लगाने लगे, मतलब ये क्या है ठंडा होकर कई टुकड़ों में विभक्त हो गया। यही जो तंतु टूटा है टूट के बाहर हुआ, ये तंतु जो टूटा है टूट के बाहर हुआ, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो गया। ठीक है ये फिलामेंट कह लीजिए, तंतु कह लीजिए, ठीक है ठंडा हो गया कई छोटे छोटे टुकड़ों में जो विभक्त हो गया यही तंतु, और यही क्या बन गए बाद में ग्रह बन गए, ऐसा बोला। जेफरी ने क्या है ज्वारी परिकल्पना का संशोधन संशोधित रूप प्रस्तुत किया और इनके अनुसार क्या है दो तारों के अलावा एक और तारा था। ठीक है इन्होंने कहा दो तारों के अलावा एक और तारा था जिसे उन्होंने सूर्य का साथी तारा बताया। ठीक है जेफरी के मतानुसार आगे बढ़ता हुआ तारा जो है सूर्य के इसी साथी तारे से टूटकर कई भागों में जो है बिखर गया, जिसे जिससे क्या होता है ग्रह ग्रह का निर्माण हो जाता है, जेफरी ने बोला। ठीक है चलिए अब यहाँ पे लिखा है, वैसे ये भी पता नहीं ये बातें कितनी वैसे क्या ही सही है क्या नहीं पता नहीं, जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने आगे अध्ययन किया है वैसे वैसे बात कर दी। अब यहाँ पे है रसेल की द्वैतवाद, सॉरी द्वैतारक परिकल्पना, द्वैतारक मतलब दो तारे की बात करी गई, तो इसमें लिखा है द्वैतारक परिकल्पना किसने किसने किया है, रसेल। तो द्वैतारक परिकल्पना का प्रतिपादन अमेरिकी एक खगोल विज्ञानी थे जिनका नाम था क्या नाम था एच क्या नाम था गई एच एन रसेल ने किया। ठीक है तो इस परिकल्पना के अनुसार क्या है आदिकाल, आदिकाल मतलब बहुत पुराने समय से, आदिकाल में क्या होता है सूर्य के अतिरिक्त तो दो और तारे थे, मतलब एक सन था सन और उसके अलावा दो तारे और थे जिसमें से एक साथी तारा सूर्य की परिक्रमा कर रहा था, मतलब एक तारा सूर्य की परिक्रमा कर रहा था मतलब सूर्य के चारों तरफ घूम रहा था। ठीक है उसके बाद इन्हें कहा कि कुछ समय बाद क्या होता है जो साथी तारा एक विशाल का एक दूसरे तारे के संपर्क में आया जो उसकी तरफ आ रहा था किंतु उसकी परिक्रमा की दिशा साथी तारे के विपरीत थी। मतलब इसने कहा अगर सन तो ये जो साथी तारा है ना वो इस तरह से अगर घूम रहा है तो जो दूसरा तारा है जो इसके पास आ रहा है वो दूसरी डायरेक्शन में घूम रहा है। ठीक है ये बोल दिया इसने। ठीक है अब इसने कहा जब ये तारे क्या होते हैं नजदीक आने लगे तो इसमें क्या होता है आकर्षण बल बढ़ गया, मतलब सन है एक तारा और फिर दूसरा तारा जो इस आ रहा है पास में, जैसे एक दूसरे के पास आते हैं तो जो आकर्षण बल है वो क्या हो जाता है बढ़ जाता है। ठीक है फिर इसने कहा क्या, इसने कहा कि विशाल काय तारे के ज्वारीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल की अधिकता के कारण क्या होता है जो साथी तारे से कुछ पदार्थ विशाल काय तारे की ओर क्या हो गए आकर्षित हो गए और उसी की दिशा में क्या करने लगे चक्कर लगाने लगे, तो इसी पदार्थ से आगे चलकर ग्रहों का निर्माण हो, मतलब देखिए यहाँ पे दिखा रखा है तो हमारे पास सन है और दो तारे थे। ठीक है चलो ऐसे समझ में नहीं आया, सन एक तारा इस तरह सपोज फिर से देखते, तो इसने कहा कि हमारे पास क्या है एक सन है सूर्य है, ठीक है और एक तारा साथी तारा जो इस तरह से घूम रहा है, एक दूसरा तारा जो इसके पास आ रहा है लेकिन वो उल्टी डायरेक्शन में घूम रहा है। अब जब आकर्षण बल की वजह से क्या होता है गुरुत्वाकर्षण या ज्वारी बल जब बढ़ जाता है तो जो जो क्या होता है विशालकाय तारे की ओर जो आकर्षित होता है तो यहां से क्या है कुछ जो है ना इसके जो साथी तारा है उससे कुछ पदार्थ जो है टूट जाते हैं। ठीक है साथी तारा से कुछ पदार्थ निकलने लगते हैं और इसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं और इसी के डायरेक्शन में घूमने भी लगते हैं।
ऐसा बोला इसने, ठीक है। और क्या होता है, वही जो ये कण निकले हैं या पदार्थ निकले हैं, वही बाद में क्या बनते हैं, ग्रहों का निर्माण हो जाता है, मतलब वही ग्रह बन जाते हैं। जो इन ग्रहों में क्या है, आपसी आकर्षण बल के कारण क्या है, ग्रहों से निकले जो पदार्थ हैं उससे क्या बनते हैं, उस ग्रहों का निर्माण होगा। इसी से कुछ पदार्थ ऐसे निकलेंगे, जैसे मान लीजिए इसमें एक पृथ्वी बना, तो पृथ्वी से कुछ क्या है पदार्थ निकलेगा, वही क्या बन गया हमारा, एक उपग्रह बन गया, यानी कि चंद्रमा बन गया, ऐसा मान लीजिए। चलिए ये सब आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो ये कहानी की तरह समझिए। और क्या कहते हैं, दो बार देखिए वीडियो, तीन बार देखिए। अब इसमें लिखा है फ्रेड होयल, और क्या है लिटिल लिटिल लेटन की अभिनव तारा परिकल्पना, ठीक है। तो फ्रेड होयल एवं लिटिल लेटन ने मिलकर 1939 में अभिनव तारा परिकल्पना का प्रतिपादन किया, और इस परिकल्पना के अनुसार क्या है कि ग्रहों की उत्पत्ति तीन तारों से हुई है। सिद्धांत था ग्रहों का निर्माण सूर्य के साथी तारे के विस्फोट से हुआ। अब वही इसमें कहा कि सूर्य है, सूर्य का एक साथी तारा है, इसने कहा इसमें विस्फोट हो गया, और सभी तारों के विस्फोट में क्या है, बिखरे धूल कण और गैस जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। विस्फोट से जो भी धूल कण या गैस निकली वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगी, और ये बाद में क्या बन गए, ग्रह बन गए। ऐसा ये फ्रेड होयल और लिटिल लेटन इन्होंने ऐसा कहा, ठीक है। सब लोग एक ही जैसी बात करें, थोड़ी थोड़ी अलग सी है लेकिन ऑलमोस्ट एक जैसी है। फेस में लिखा है ऑटो स्मिड की अंतर तारक धूल परिकल्पना। हालांकि गाइस इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जैसा वो वाला था, अद्वैतवाद वाले दोनों थे, कांट और लाप्लास वाला थोड़ा सा था, ठीक है। उसके बाद तो मुझे ऐसा कुछ खास लग नहीं रहा है कि बहुत आपको इसके लिए मरना पड़े कि मतलब याद, लेकिन हाँ समझिए बोल क्या रहे हैं, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन मुझे नहीं लगता इतना कुछ खास आएंगे। वैज्ञानिकों का नाम याद रखिएगा, उन्होंने क्या परिकल्पना दी उसका नाम याद रखिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा है ऑटो स्मिट की अंतर अंतर तारक धूल परिकल्पना। इसने कहा अंतर तारक धूल परिकल्पना, रूसी विज्ञानी थे जिनका नाम था ऑटो स्मिट, इन्होंने 1943 में दी थी, ठीक है। तो इस परिकल्पना के अनुसार क्या है, जब सूर्य आकाश गंगा के पास से गुजर रहा था, मतलब जो ये आकाश गंगा है और ये सन है वो थोड़ा इसके पास से गुजर रहा था, तो सूर्य के आकर्षण बल से कुछ गैसीय बादल सहित धूल कण की भी जो है आकर्षित होकर सूर्य के चारों तरफ परिकल्पना करने परिक्रमा यानी कि सूर्य के चारों तरफ घूमने लगे। प्रारंभ में गैस और धूल के कण क्या है, अव्यवस्थित रूप से जो है सूर्य का चक्कर लगा रहे थे। गैस कम होने की वजह से क्या है, अधिक अधिक अव्यवस्थित, मतलब व्यवस्थित तरीके से नहीं चक्कर लगा रहे थे, अव्यवस्थित तरीके से सूर्य का चक्कर लगा रहे थे। जबकि जो है धूल के कण, जिनका गैस तो बहुत ही अव्यवस्थित थे, जिनका धूल के कण जो है संख्या में अधिक होने के कारण क्या है, कम अव्यवस्थित थे, मतलब थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से चल रहे। परिणाम स्वरूप क्या होते हैं, धूल के कण क्या होते हैं, घनीभूत होकर चपटी तस्तरी के रूप में बदल जाते हैं, और अधिक संघनन से कई चरणों में गुजरने के बाद क्या होता है, ग्रह बनते हैं, उपग्रह बनते हैं, ठीक है। बस ये एक जैसी बात सबने कही है गाइस, ये डायग्राम के चक्कर में मत पड़ी, कुछ नहीं समझ में आएगा। चलिए अब आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बात, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत, जो कि है बिग बैंग थ्योरी, राइट। बिग बैंग सिद्धांत, तो बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन यहाँ लिखा है जॉर्ज लेमेत्रे, इन्होंने किया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। तो इस यह सिद्धांत जो है आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत यही है। इसे विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहते हैं, ठीक है। मतलब जो ये आपका बिग बैंग थ्योरी को ही विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना यानी कि एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस ये भी कहते हैं, ठीक है। ब्रह्मांडीय विस्तार का तात्पर्य क्या है, आकाश गंगाओं के मध्य होने वाले विस्तार से है। मतलब इसने कहा यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारी आकाश गंगा है वो क्या है आपका एक्सपेंड कर रही है, यानी कि बढ़ रही है, यानी कि इसमें विस्तार हो रहा है, बढ़ा है, ठीक है। ये बोला इसी तरह रॉबर्ट वैगनर, एक नाम हमने कौन सा देखा गाइस, दो नाम इंपॉर्टेंट, जॉर्ज लेमेत्रे इंपॉर्टेंट, रॉबर्ट वैगनर इंपॉर्टेंट। इनने रॉबर्ट वैगनर ने इस सिद्धांत की जो है 1967, इनकी कहानी कब की थी गई, तो इन्होंने कहा 1967 में विस्तृत व्यवस्था प्रस्तुत करी, और इससे पूर्व क्या है हबल, क्या है एडविन हबल ने 1920 में ही प्रमाण दिया था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। मतलब कहानी ये हो रही है, बात कही जा रही है, जो हमारा ब्रह्मांड है वो बढ़ रहा है, फैल रहा है, ठीक है। तथा समय बीतने के साथ साथ क्या है, आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हो गई है। क्यों भैया, अगर यहाँ पे मान लो दो आकाश गंगाएं, अगर ये ब्रह्मांड फैल के इतना बड़ा हो गया तो ये आकाश गंगाएं भी एक दूसरे से क्या हो गई, दूर हो गई, ऐसा बोला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
फिजमेरे बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग, उसने कहा, 13.7 अरब वर्ष पूर्व घने पदार्थों वाले विशाल अग्निपिंड के आकस्मिक जोरदार विस्फोट और उसके उससे उत्पन्न जो है विकिरण, उसके कारण हुई है। यानी इनने कहा ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.7 वर्ष पूर्व हुई है, अरब वर्ष पूर्व हुई है विस्फोट के पश्चात, विस्फोट हुआ, ठीक है। तो इसने कहा एक जो है ना, इतने वर्ष पहले क्या एक घने पदार्थ वाले विशाल अग्निपिंड, यानी यानी एक बहुत बड़ा सा एक अग्निपिंड था, उसमें क्या होता है बहुत भयंकर सा विस्फोट होता है जिसकी वजह से उसमें से विकिरण भी निकलती है। अभी देखा विस्फोट के बाद क्या है उत्पन्न पदार्थों के सृजन से, मतलब ये एक बड़ा सा पिंड है, इसमें जब विस्फोट होगा तो बहुत छोटे छोटे पिंड में टूट जाएगा, ठीक है, यही हुआ होगा, ठीक है। तो इसने कहा विस्फोट के बाद क्या होता है उत्पन्न पदार्थों के सृजन से अनेक पिंडों का निर्माण हुआ, यानी बहुत सारे पिंड टूट टूट के अलग हुए, कालांतर में पिंडों के आकार में क्या होने लगी वृद्धि, और उसकी वजह से आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ, ठीक है। आकाश गंगाओं में पुनः विखंडन, अब यहाँ पे फिर से विखंडन हुआ जिससे तारों का निर्माण हुआ, और तारों में विखंडन से क्या है ग्रहों का निर्माण हुआ। फिर समझिए एक विशाल अग्निपिंड था उसमें विस्फोट हुआ, ठीक है। जब उसमें विस्फोट होता है तो उसमें क्या होता है कि पदार्थ, बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं, ठीक है। अब इसने कहा कि जो कालांतर में पिंड के आकार में क्या होने लगी, जो पदार्थ है पिंड के आकार में वृद्धि होने लगी, आकाश गंगाओं का निर्माण हो गया। आकाश गंगा में जब विस्फोट हुए तो तारों का निर्माण हुआ, तारों में जब विस्फोट हुआ तो ग्रहों का निर्माण हुआ, ठीक है। वैसे ही आगे बढ़ के उपग्रह भी बन गए। तो ये प्रक्रिया वर्तमान में भी जारी है, और इसकी पुष्टि किसने करी है, किससे हम कर पा रहे हैं, डॉपलर प्रभाव से हम बता पा रहे हैं कि ऐसा कुछ होता हो रहा है अभी भी। फिर इसने कहा कि हॉयल ने बिग बैंग के विकल्प के रूप में क्या है स्थिर अवस्था संकल्पना प्रस्तुत किया। तो इस संकल्पना के अनुसार क्या है ब्रह्मांड का विस्तार सदा एक समान रहा है। इसने कहा कि ब्रह्मांड का विस्तार एक समान रहा है, इसने क्या दिया स्टडी स्टेट थ्योरी, परंतु ब्रह्मांड के विस्तार के संबंध में अधिकाधिक प्रमाण मिलने से इस संकल्पना को अधिक मान्यता नहीं मिल पाई है, ठीक है। तो कहानी इनकी इतनी सी है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, और कोई पॉइंट तो नहीं छूटा, नहीं। चलिए अब यहाँ बॉक्स में देखिए क्या लिखा है गाइस, यहाँ पे लिखा है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, ये दुनिया का सबसे विशाल शक्तिशाली कण त्वरक है जिसका उद्देश्य ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पता लगाना है, और इसे जो है 2008 को पहली बार शुरू किया हुआ। अच्छा, इसे ये प्रयोग जो है स्विट्जरलैंड फ्रांस की सीमा पर जेनेवा के पास लगभग 27 किलोमीटर लंबी सुरंग में किया गया, मतलब ये कहाँ पे है स्विट्जरलैंड। जब आप यूरोप जाएंगे भारत से तो भारत में आपको एक देश मिलेगा स्विट्जरलैंड और एक मिलेगा फ्रांस, दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं, उनकी सीमा पर एक जगह है जिसका नाम है जेनेवा, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है एक सुरंग बनाई गई है, कितनी बड़ी, 27 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई है जिसे यूरोपीय भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला CERN द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस सुरंग में लगी पाइप के अंदर क्या है दो उच्च ऊर्जा और गति वाले किरण पुंजों को विपरीत दिशाओं में प्रवाहित किया गया, और जिसकी गति प्रकाश के समान थी, मतलब इतनी तेजी से किया गया। तो इन किरण पुंजों के आपसी टकराव से क्या होता है अल्पाश समय के लिए एक स्थिति उत्पन्न हुई, मतलब थोड़े समय के लिए एक स्थिति उत्पन्न हुई जो 13.7 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय यानी कि बिग बैंग के कारण उत्पन्न हुई थी, ऐसी कुछ स्थिति उत्पन्न हुई, पता नहीं, ठीक है, हुई होगी। फिर इसमें लिखा है गुरुत्वीय तरंगों से बिग बैंग सिद्धांत की पुष्टि, मतलब इसने कहा कि गुरुत्वीय जो तरंगे हैं समस्त ब्रह्मांड में क्या है गमन करने वाली लहरें हैं, पूरे ब्रह्मांड में ये गुरुत्वीय तरंगे चलती रहती हैं जिसके अस्तित्व का पूर्वानुमान अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा 1916 में सापेक्षता के सिद्धांत के प्रतिपादन में किया गया था। तो ये जो है आपका तरंगे, ये तरंगे प्रकाशीय तरंगों से भिन्न होती हैं, और ये तरंगे किसी परमाणु से भी लाख गुना छोटी होती हैं, ठीक है। आधी बातें तो गई, इसमें बस लिखी है, नहीं याद हो रही, कोई बात नहीं। अब इसमें लिखा है माना जाता है कि ब्रह्मांड में करीब जो है 1.3 अरब वर्ष पहले दो ब्लैक होल में जोरदार टक्करों के कारण एक विशाल गुरुत्वाकर्षण तरंग पैदा हुई थी जो 2015 को प्रथम बार पृथ्वी पर पहुंची, ठीक है, माना जाता है ये सब। तो इन नई खोजों में खगोल विदों ने अत्याधुनिक और क्या है बेहद संवेदनशील लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेब ऑफ ऑब्जर्वेटरी का इस्तेमाल किया, ठीक है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस खोज से ब्रह्मांड के अध्ययन के नए क्षेत्र खुलेंगे जिसे इन तरंगों की उत्पत्ति को और समझा जा सकता है। तो इन तरंगों से आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी और ब्रह्मांडीय विस्तार की पुष्टि हुई, ठीक है। चलिए अब इसमें लिखा है लीगो इंडिया की वेधशाला इंगोली जिले महाराष्ट्र में
वर्ष 2020 तक स्थापित की जाएगी था और ये भारत की पहली वैधशाला होगी। ठीक है गाइस, तो ये हो गया थोड़ा डेटा पुराना। चलिए अब ये सब, अब गाइस यहाँ पे आते हैं, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल का विकास। ठीक है, एक चीज और देख लेते हैं गाइस कि हमारे कितनी देर की वीडियो बन चुकी है। तो ये बन गई है 34 मिनट्स में। काफी बड़ा चैप्टर है, काम का ये चैप्टर इतना है। देखिए ये कितने काम का चैप्टर है गाइस, ये आप इस चीज से इसका अनुमान लगा सकते हैं कि क्वेश्चन इसमें टोटल आए हैं 10। चैप्टर है दुनिया भर का बड़ा और क्वेश्चन आए हैं सिर्फ और सिर्फ 10। देखिए इसमें और भी क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए, क्वेश्चन देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन आईएएस का है, एमपीपीसीएस में है, यूपीपीसीएस को भी री एग्जाम में आया है। ठीक है, और उसके बाद एमपीपीसीएस है और यूपी, और ये जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो बना दिए। यूपीएस यूपीपीसीएस का है, मतलब ये इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और इनफैक्ट जो भी अभी हमने ऊपर बहुत सारी परिकल्पना बिग बैंग थ्योरी से पहले पढ़ी है वो तो वैसे ही बिना किसी काम की है। ठीक है, सब काम की तो है नहीं, ठीक है, लेकिन थी तो हमने पढ़ दी और क्या। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसने लिखा है स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल का विकास। ठीक है, पृथ्वी ज्ञात ग्रहों में एकमात्र ऐसा ग्रह है, मतलब जितने भी ग्रह आपको पता है उसमें पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। ठीक है, अतः पृथ्वी को सभी ग्रहों में क्या है, अद्वितीय माना जाता है, मतलब अलग सा है ये। यहाँ पाए जाने वाले जो स्थलमंडल है जिसपे आप लोग रह पा रहे हैं, जलमंडल हो गया, वायुमंडल, इसके आपसी संयोग से ही जो है जीवन संभव है। इनमें से कुछ भी गायब हो जाएगा, जीवन भी खत्म। पृथ्वी के ये तीनों महत्वपूर्ण पर्यावरणीय घटक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यानी स्थलमंडल की बात करें तो वो जलमंडल को प्रभावित करता है, जलमंडल वायुमंडल को, वायुमंडल स्थलमंडल को, ये सब एक दूसरे को प्रभावित प्रभावित करते हैं। ठीक है, सम्मिलित रूप से हम इसे क्या बोलते हैं, जैव मंडल बोलते हैं। अच्छा, शैलों से निर्मित पृथ्वी के भूभाग को जो है स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, शैल, बहुत सारे शैल चट्टाने मिलके स्थल मंडल बना देती हैं, और जो पृथ्वी पर जल वाला भाग है वो जल मंडल बना देते हैं, और पृथ्वी के चारों तरफ वाला जो गैस वाला आवरण है ना पृथ्वी के चारों तरफ, उसको हम वायुमंडल कह देते हैं। उपरोक्त तीनों मंडल के संयोग से जो बनता है वो जैव मंडल बन जाता है, और जिस पर पृथ्वी के सभी जीवों का जीवन निर्भर करता है। ठीक है, इसमें स्थल मंडल के विकास, यानी अब हम बात करेंगे स्थल मंडल से, ये सब मिलके अगर सब है तो वो होता है जैव मंडल। स्थल मंडल का विकास, पृथ्वी की उत्पत्ति के विकास क्रम में जब गुरुत्व बल के कारण पदार्थ एक दूसरे पर एकत्रित हो रहा था, क्या पदार्थ एक दूसरे पर एकत्रित हो रहा था, तो आपसी टकराव और घर्षण से क्या होती है, ऊष्मा निकलती है। इतने का बड़े सारे पदार्थ हैं, इन सब में एक गुरुत्वाकर्षण बल है, तो वो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी, ये सारे पदार्थ एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे, टकराएंगे, घर्षण होगा जिसकी वजह से ऊष्मा निकलेगी। ठीक है, ऊष्मा के प्रभाव से क्या होता है, पदार्थ पिघलने लगे, और ये प्रक्रिया पृथ्वी की उत्पत्ति और उसके कुछ समय बाद क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति और उसके कुछ समय बाद तक ये जो प्रक्रिया चल रही थी चलती रही। अत्यधिक ताप के कारण क्या होता है, पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई। ठीक है, मतलब जो पृथ्वी है थोड़ी सी पिघल गई, आंशिक रूप से जो है द्रव अवस्था में रह गई, और हल्के और भारी पदार्थ घनत्व में अंतर के कारण अलग होने लगे, मतलब जब द्रव में बदली। ठीक है, उसके बाद जो हल्के भारी पदार्थ है और घनत्व के सब में घनत्व में जो अंतर आया उसकी वजह से ये अलग होने लगे। तो विभेदन की प्रक्रिया में क्या होता है, भारी पदार्थ जैसे कि लोहा हो गया, निकल आदि केंद्र में चले गए, और हल्के पदार्थ जैसे कि आपका सिलिका, एल्यूमिनियम, ये पृथ्वी की सतह पे आ गए। ठीक है, अब कालांतर में इन पदार्थों का क्या होता है, शीतलन, यानी कि ये ठंडे होते हैं, जिससे वे ठोस रूप में आ गए। ठीक है, और छोटे आकार के हो गए, और पृथ्वी की भूपरपटी के रूप में क्या हो गए, विकसित हो गए, पृथ्वी की भूपरपटी बन गए। ठीक है, अब चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान क्या होता है, भीषण संघात के कारण पुनः पृथ्वी का तापमान बढ़ा और ऊष्मा उत्पन्न हुई। विभेदन प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, पृथ्वी का पदार्थ अनेक अनेक परतों में अलग हुआ, और जिससे क्या है, भूपरपट्टी, मेंटल और प्रोब का निर्माण हुआ। यानी कि जब आप पृथ्वी देखते हैं, पृथ्वी के अंदर जाते हैं, तो आपको क्या क्या मिलेगा, भूपरपट्टी मिलेगा, फिर मेंटल मिलेगा, फिर नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसे हम प्रोब कहते हैं, बिल्कुल अंदर की तरफ ऐसा कुछ बन गया। अब मुख्यतः पृथ्वी की ऊपरी ऊपरी जो परत है उसको हम क्या बोलते हैं, स्थल मंडल बोलते हैं। जैसे पृथ्वी है, जब इसे आप अंदर की तरफ रहते करें तो ऊपर की जो परत है वो हम उसको स्थल मंडल बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो है ना भूपरपट्टी या ऊपरी मेंटल से मिलकर निक्षेपण द्वारा निर्मित मैदान है। तो इसने कहा ये भूपरपट्टी
और जो ऊपरी मेंटल है, सपोज ये भूपर्पटी है, और मेंटल में दो तरीके के मेंटल है, यहां से यहां तक हम कह रहे थे मेंटल है, तो ये वाला है ऊपरी मेंटल एरिया, एरिया का नाम है मेंटल, और ये है आपका निचला, निचला वाला मेंटल एरिया। तो इसने कहा कि जो भूपर्पटी और जो ऊपरी मेंटल है, मेंटल है ठीक, इससे मिलकर जो है निक्षेपण द्वारा क्या होता है, निर्मित मैदान होती है, ठीक है। और इस पर क्या है, विशाल भूखंड, भूखंड वाले क्या है महाद्वीपों, विशाल जलाशय वाले महासागर, इनका विस्तार पाया गया। मतलब इससे क्या बना कि महाद्वीप बने और बहुत सारे महासागर जो है वो इससे बन गए। स्थल मंडल पृथ्वी का सबसे क्या है, कठोर भाग होता है, इसे दो भागों यानी कि स्थल मंडल को दो भागों में, एक तो महाद्वीपीय स्थल मंडल हो गए, एक महासागरीय स्थल मंडल, इसमें वर्गीकृत करा। मतलब इसने कहा पृथ्वी है, जो पृथ्वी पे आपको दो चीजें देखने को मिलेगी, या तो स्थल या फिर जल, ठीक है। तो स्थल वाले को इसने बोल दिया महाद्वीपीय स्थल मंडल, और जल वाला एरिया हो गया महासागरीय स्थल मंडल। तो इसने कहा महासागरीय स्थल मंडल महाद्वीपीय क्रस्ट से निर्मित है, ठीक है, सॉरी महासागरीय स्थल मंडल महासागरीय क्रस्ट से निर्मित है, जो महाद्वीपीय क्रस्ट से अधिक घनत्व का है। यानी इसने कहा कि जो महासागरीय क्रस्ट है महाद्वीपीय क्रस्ट से उसका घनत्व अधिक है, जबकि महाद्वीपीय स्थल मंडल महाद्वीपीय क्रस्ट से निर्मित होने के साथ साथ महासागरीय क्रस्ट से अधिक मोटा है, लेकिन इसका घनत्व महासागरीय क्रस्ट की अपेक्षा कम है, ठीक है गाइस। तो ये सब इतनी काम की चीजें हैं। स्थल स्वरूपों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक और बाह्य बलों के पारस्परिक प्रभाव के कारण हुआ। इसने कहा जो स्थल स्वरूप बने कैसे बने, पृथ्वी का जो आंतरिक और बाह्य बल है, ठीक है, जो आंतरिक बल है बाह्य बल है इनका क्या है पारस्परिक प्रभाव, जिसके कारण क्या बना है स्थल स्वरूप बन गए। इसने कहा धरातल, धरातल पर पाए जाने वाले तीन प्रकार के जो स्थल स्वरूपों की बात करें, मतलब पृथ्वी के आंतरिक और बाह्य बल के कारण क्या बना है स्थल स्वरूपों का निर्माण। स्थल स्वरूप क्या होते हैं, जैसे कि पर्वत बना, पठार बना, मैदान बना, ठीक है। अच्छा, इसमें पृथ्वी के ऊपरी भाग से आंतरिक भाव तक जो है पदार्थों का घनत्व क्या होता है बढ़ता है, ये बन गया क्वेश्चन। जब आप पृथ्वी के ऊपरी भाग पे खड़े और धीरे धीरे अंदर की तरफ जाते हैं तो यहाँ क्या होगा, घनत्व क्या होता है, घनत्व जो है पृथ्वी के अंदर तक जाने पे उस जगह का घनत्व बढ़ता है या घटता है। तो गाइस क्या होता है, जैसे जैसे आप अंदर की तरफ जाएंगे तो डेंसिटी क्या होती है बढ़ती जाती है, ठीक है। तो देखिए ये हमने यहाँ पे बात कर ली गाइस। अब पर्वत जो है ना माउंटेन, उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी तक के लिए इतना ही गाइस। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, क्या करेंगे आप, तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। बाकी व्हाट्सएप नंबर आपको मेरा पता ही है, टेलीग्राम पेज पता ही है। घटना चक्र की वीडियो के लिए आपको प्ले लिस्ट में जाना है, क्विक बुक की बाकी सब्जेक्ट के लिए भी आपको प्ले लिस्ट में जाना है। चलिए गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे के पार्ट के संग, तब तक के लिए धन्यवाद।